नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं सुन न्यूज इंडिया। श्रीलंका के गहराते आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। श्रीलंका इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है और तमाम तरह की बातें फैल रही हैं, खबरें आ रही हैं, भारत विरोधी खबरें फैल रही हैं कि भारत फायदा उठाना चाहता है। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हमारे टॉक शो प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट मिस्टर बांदा जी। बांदा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांदा जी, जिस तरीके से तमाम तरह की खबरें फैल रही हैं, भारत विरोधी खबरें कि भारत श्रीलंका का फायदा उठाना चाहता है, इस हालात में तो आप क्या सोचते हैं इसी? श्रीलंका के पुराने राष्ट्रपति जो गोटाबाया 13 तारीख को उन्होंने इस्तीफा देना था, जो कि 15 तारीख हो गई, और वो सिंगापुर जाने के लिए पहले मालदीव गए, फिर सिंगापुर की तरफ उन्होंने जाकर ईमेल के जरिए स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया। 15 तारीख को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यकाल संभाला और 20 तारीख को उनका लाइव स्ट्रीमिंग का इवेंट होना था शपथ ग्रहण का। वहां अचानक लाइट का जाना एक बड़ा ही चिंता का विषय रहा पूरे माहौल में, क्योंकि शपथ ग्रहण के लाइव स्ट्रीमिंग के इवेंट में लाइट का जाना और प्रदर्शनकारियों का अभी तक उन्हें रिकॉग्नाइज ना करना, ये बड़ा ही आज भी सवाल चिन्ह रहा है वहां की जनता के लिए और वहां की हुकूमत के लिए, जो अभी भी उथल पुथल दिखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से श्रीलंका में उथल पुथल मची हुई है, लोग सड़कों पर उतर गए, भारी भीड़ है, जैसे कि पूरे श्रीलंका का जितने भी लोग आ रहे थे सब सड़क पर उतर हैं, तो ऐसे में क्या जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, क्या वो संभाल पाएंगे वहां का कार्यभार? एक्चुअल में श्रीलंका के लोग महंगाई से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। 53% तक महंगाई वहां बढ़ गई है, उनको किसी भी तरह की अब तक कोई राहत नहीं मिल रही है, और विक्रमसिंघे का भी आने का उन्हें उनका एक सवालिया चिन्ह बना रहे हैं। लोगों में एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि विक्रमसिंघे जी भारतीय ऑफिसरों द्वारा एक साजिश से लाया गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे वो पहले राष्ट्रीय भवनों के पास एक कैप पे लगा के गो गोटा गो के उन्होंने नारे लगाए और लगाए लेबलिंग की उसपे, तो आज फिर उन्होंने एक नया दिख रहा है उस कैप पे नाम चेंज कर दिया, गो रालिन गो करके वो नारे भी लगा रहे हैं। मैं तो अभी भी उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। एक्चुअल में वहां की जनता का जो हमें सुनने को मिल रहा है वो चाह रही है पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके आल पार्टी गवर्नमेंट चलाए, तो ये एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय रहा है, जो वहां की जनता का समर्थन वहां की हुकूमत को नहीं मिल पा रहा है। बांदा जी, जिस तरीके से वहाँ के पुराने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ा है, वो भागे हैं, उससे दूसरे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो मैम, वो उन्होंने तो जो अपना मालदीव गए फिर सिंगापुर की तरफ उन्होंने रुख किया जी, और अभी भी वहाँ की एजेंसियों की निगाह पे है वो जो ह्यूमन राइट का उन्होंने वायलेंस किया है जी, तो कभी भी उनको पकड़ा जा सकता है और कंप्लेंट्स उनके ऊपर रजिस्टर्ड हो सकती है। पर लेकिन जो मौजूदा हालात की बात करें, भारत की तरफ से करें, भारत ने वहां की एम्बेसीज में अपने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, वहां के नागरिकों को कोई भी परेशानी आती है तो भारत ने पूरा समर्थन दिया उन्हें। तो जैसे कि आप परेशानी की बात कर रहे हो कि एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, अभी बात करें तो वहां पर एक भारतीय कर्मचारी जो एम्बेसी में काम करने वाला था वो चोटिल हो गया है, इसके बारे में तो इसमें कहीं ना कहीं एजेंसियों की नींद उड़ा दी गई है, तो इस चोट का बड़ा ही कारण वहां के प्रदर्शनकारियों का रहा है, वहां की अफवाहों का रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने वहां सावधानी के लिए एक सर्कुलेट जारी कर दिया है, क्योंकि वहां के हालात की अस्थिरता आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं स्थिर होती नहीं दिख रही है। तो भारत जो है अभी लगातार कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका की मदद कर सके, तो वही जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि मेरे पास, उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, फिर भी मुझे भारत समेत कई मित्र देशों से मुझे सहायता लेनी पड़ेगी। हाँ जी, भारत ने $3.8 trillion की मदद की है श्रीलंका को। तो अभी तक भारत, जैसे आप बता रहे हैं कि इतने मिलियन में उन्होंने मदद की है, लेकिन फिर भी लगता है कि उनको और भी देशों से, अब जो मित्र देश हैं उनको सहायता चाहिए श्रीलंका के राष्ट्रपति को, जो लगता है, लेकिन कितना वक्त लग जाएगा श्रीलंका को एक नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए? बिल्कुल, मैं अभी भी अगर हम श्रीलंका की बात करें, वहां $1.5 billion ही उनके पास मात्र अकाउंट में दिख रहा है जो
उनके पास संपत्ति दिख रही है और बहुत ही आपातकालीन स्थिति में आज श्रीलंका दिख रहा है, पर भारत ने खुल के समर्थन देने के लिए उनको हर तरह की हेल्पलाइन नंबर एम्बेसी में जारी कर दिए गए हैं और बार बार यहाँ की हुकूमत श्रीलंका को हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करने में, हर तरह की मंदी में जो गुजर रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट सहायता देने के लिए ओपनली विश्व रूप में घोषणा कर चुके हैं मैम। तो जैसे कि ये बात करते हैं श्रीलंका की, ठीक है, हर तरह से हालात से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति, तो वहाँ के अभी जो भाई विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की है, तो इसका मैसेज जो है वो विश्व में कैसा जा रहा है? बिल्कुल, इसमें विश्व में ये मैसेज जा रहा है भारत एक अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो उन्होंने अपनी एक विजन बनाई है, भारत चाहता है सभी देशों को साथ जोड़ के आगे लेके जाना, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे ये इंसानियत के तौर पे हो, ह्यूमैनिटी के तौर पे हो, भारत ने हमेशा आगे रहा है, क्योंकि विश्व रूप में हम देखें पड़ोसी देशों में भारत ने हमेशा अपना हाथ कहीं ना कहीं सहायता का बढ़ाया है, चाहे वो नेपाल की बात हो, चाहे भूटान की बात हो, भारत कभी भी पीछे नहीं हटा जब इंसानियत की बात आए। तो आज भी अगर श्रीलंका में कोई मंदी का दौर चल रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था में जो प्रॉब्लम आई है, तो भारत ने हमेशा अपना रोल एज ए रोल मॉडल आगे होकर उनका हाथ पकड़ा, हाथ बढ़ाया और इंसानियत की एक मदद की मिसाल कायम की है पूरे विश्व रूप में मैम। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंसानियत की मिसाल कायम की है भारत ने, तो कहा जा सकता है कि जो भारत विरोधी खबरें फैल रही हैं ये सब बिल्कुल जी बिल्कुल ये वहाँ की अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही है, उनको एक कहीं ना कहीं एक बहम भरम डाला जा रहा है, कोई बात उनकी जो इस अस्थिरता का कोई फायदा उठाना चाह रहा है, वहाँ कहा जा रहा है इंडियन ऑफिसर हैं जो फायदा उठा रहे हैं इस अस्थिरता का और वहाँ भारत अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करने की, ऐसी अफवाहें हैं। पर भारत ने खुल के कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है हमारी ऐसी कोई इंटरफेयर की कोई मंशा नहीं है और हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उनकी सिटीजन की मदद करने के लिए और ऐसी मदद उन्होंने कहा है आगे भी विश्वास दिलाया हम मदद करते रहेंगे और ऐसे अफवाहों पर उन्होंने कहा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही ये रिश्ते जो पड़ोसी मुल्क के रिश्ते हैं ये और बेहतर बनाने में और व्यापार के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं भारत का अच्छा रोल रहा है मैं। अबांदा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो भारत विरोधी खबरें फैलाई जा रही थी उसके पक्ष में बहुत सारी जानकारी साझी की है, लोगों का भ्रम जो है वो दूर हो गया होगा कि भारत ने एक मिसाल कायम की इंसानियत की। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, लेकिन आपके भी क्या विचार हैं, क्या राय हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके विचारों को भी हम अपने टॉक शो प्रोग्राम के द्वारा उन्हें लोगों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। देखते रहिए सुनते रहिए न्यूज़ इंडिया।